टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, आज मुंब्रा शहर के जो तमाम सफाई कामगार हैं वो दरअसल आज शंकर मंदिर पर मीटिंग रखे थे, क्योंकि इनका जो पगार है वो रुका हुआ है, इन्हें मिल नहीं रहा है। और इनके समर्थन में अब जो है भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष भी इनके समर्थन में आया है कि आखिर इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर ये 9 फरवरी को जो है ठाणे महानगर पालिका के सामने विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। किस तरह की इनकी तकलीफें हैं और क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, आज आप लोगों ने यहाँ पर मीटिंग भी किए और क्या है पूरा ये मामला बताइए, क्या पूरा मामला है? आज आप लोग यहाँ पर मीटिंग रखे थे, क्या बातचीत? हमारे हक के लिए, हमारे हक के लिए हम लड़ रहे हैं। हमको तक बाकी नहीं मिल रही है, हमको पेमेंट स्लिप पेमेंट नहीं मिल रहा है, टाइम पे पेमेंट स्लिप नहीं मिल रहा है। पेमेंट स्लिप मांगे, वो पेमेंट स्लिप भी बोलेंगे हाँ देते देते, लेकिन देते नहीं हम लोग को कुछ भी, ना हमको हैंड ग्लोव है, ना हमको मास्क है, ना हमको यूनिफॉर्म। साल में एक ही बार दिया था हमने, उसके बाद कुछ भी दिया गया नहीं। फर्स्ट जनवरी को गए, साल कॉन्ट्रैक्ट चालू किया तभी दिया गया, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया गया, ना हैंड ग्लोव ना मास्क। साल में इतना काम किया हम लोगों ने, 8 घंटा हमसे ड्यूटी लिया गया। क्रिस्टल थी तो हमें जल्दी छोड़ा गया था उस टाइम पे, लेकिन हमने ये बात उनके सामने कभी रखी थे फर्स्ट डे, तो उन्होंने बोला नहीं हम आपको 8 घंटे के पेमेंट देते तो आपसे 8 घंटा काम करवाते ही लेंगे। 8 घंटा काम करा है लेकिन सुविधा कुछ भी नहीं दी हमारे लिए, कुछ भी नहीं। इसके अलावा और किस चीज़ की तकलीफ है? यही एसआई का प्रॉब्लम, एसआई का कुछ वो भी हम लोग के लिए वो सुविधा नहीं है, ना थक बाकी की सुविधा है। 2018 से 2020 हो गया, अभी तक हमारी थक बाकी, हमारे हक के पैसे हमको नहीं दिए जाते। कुछ मांगेंगे तो हमको तकलीफ दिया जाती है हर चीज़ की। यहाँ से अभी कुछ बोलेंगे हमको ये चाहिए तो कल से हमारी ड्यूटी चेंज, अलग जगह भेज देंगे या फिर दूसरे ऑफिस पर भेज देंगे। हमारे कहाँ से आते हैं यहाँ मुंब्रा में? बहुत दूर दूर से, मुंब्रा लोकल है लेकिन कसारा से आते हैं, टिटवाला से। वो लोग भी वहाँ से आएंगे तो वो लोग को 5 मिनट लेट हुआ तो घर पे भेज देते, भी आगे हो गया 7:01 भी हो तो भी घर पे रिटर्न। अच्छा, अरे आने जाने के लिए ट्रेन में कभी लेट होता है, जल्दी होता है, आप समझ के लेना चाहिए सबको, रिटर्न भेज देते घर पे। इतना तो हमारे लिए, हमारे हक का मांग रहे, किसी और से नहीं मांग रहे, हमारा हक का तो दिया करो, महापालिका से मांग रहे हमारे हक का। आप क्या कहेंगे, आप लोग आंदोलन भी 9 फरवरी को करने वाले हैं, ऐसे में किस तरह की आप लोगों को जो है परेशानी हो रही है, डिटेल में थोड़ा बताइए। परेशानी बोले तो कामगार को जो झाड़ू सफाई से हो गया, जो रस्ते पे झाड़ू मारते हैं, इनका बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनको जो सुविधा चाहिए देने के लिए, सर्वप्रथम ठेकेदार का काम है कि जो बंदा उसको मार लगा है, कुछ हुआ है, तत्काल में उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए। जहाँ पे हुआ एक्सीडेंट बाजू में कोई हॉस्पिटल रहे उसको वापस भी दे दिया जाए, ना कि वो कामगार हॉस्पिटल लेके जाए, यहाँ से वहाँ तक लेके जाने तक वो आदमी की डेथ हो जाती है। और आज तक एक हॉस्पिटल में भी आप लोगों को सुविधा बराबर नहीं मिलती है। और दूसरी बात, कामगार को जो ग्रेजुएटी बोला जाता है, जो एक आधा कामगार मरने के बाद एक्सीडेंट के बाद मतलब कामगार एनुटी में मर जाता है तो उसका ग्रेजुएटी है 4% कटिंग होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर और मनपा द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसमें आप लोगों के लिए क्या क्या सुविधा है? इसमें सुविधा दिया जाता है काम, एक्चुअली आपको मालूम है क्या क्या सुविधा है उसमें आप लोगों के लिए? उसमें ESI है, PF है, बोनस है, तो ये सब सुविधाएं आपको मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, खाली बस नाम के लिए है, एग्रीमेंट बना हुआ है, एग्रीमेंट का कोई भी उसका पूरा फायदा कामगार को नहीं मिला जाता। आप इन लोग के तरफ से आए हैं और आपने जो है 9 फरवरी को आंदोलन करने के लिए भी कहा है, जो इन लोगों की मांग है इसको लेकर आप मनपा के समक्ष जो है आंदोलन भी करेंगे, क्या बताइए? देखो, सफाई कामगार की जितने मांगनी है महानगर पालिका ने पूरी की नहीं, इसके लिए हम पूरे सफाई कामगार को एकजुट लेके वो 9 तारीख को संताप मोर्चा हम महानगर पालिका के ऊपर निकल रहे। और जो मांगनी हमारी है अभी, जो मेरे पास तो अभी 15-20 मांगनी अभी आई है, सब मांगनी लेके जो करार में है और करार की जो पावती महानगर पालिका ने जो करार किया है उसमें मैं अभी बताता हूँ, कुछ प्रतिनिधि की भी सही है, नगर सेवक की सही है, वो उस दिन 9 तारीख को मैं खुलासा करने वाला हूँ। क्यों अभी सब खुलासा करो तो ये लोग को सबको मेरे को देखना है, ये लोग को 9 तारीख को मैंने दिया है टाइम, 9 तारीख तो किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो हमारा शेतकरी कामगार पक्ष का लाल बावटा, लाल सफाई कामगार का लाल बावटा आपके महानगर पालिका में धड़कने वाला ही है। तो आपने सुना कि भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष के जो ठाणे जिला अध्यक्ष हैं प्रसाद सुरेश चालवी, इनका कहना है कि ये तमाम जो शहर के सफाई कामगार हैं इनके हक की लड़ाई के लिए ये ठाणे महानगर पालिका पर 9 फरवरी को आंदोलन करेंगे। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।